मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए विद्युत विभाग की उपलब्धियां गिनाई हैं। उन्होंने कहा कि हमारे मध्य प्रदेश में कृषकों के लिए कृषि मित्र योजना लागू की गई है। 3 HP से ऊपर के लोगों को पंप के स्थायी कनेक्शन के लिए 50% सब्सिडी मध्य प्रदेश सरकार देगी और 50% किसान भरेंगे और पंप कनेक्शन का मेंटेनेंस सरकार करेगी। किसानों को स्थायी पंप लगाने की योजना में लाभ दिया गया है। 1 kW तक के जो बिल हैं वे अगस्त तक मध्य प्रदेश सरकार ने फ्रीज कर दिए हैं। इसके साथ ही प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस को पता नहीं कि कांग्रेस चुनावी लाभ लेने के लिए अपनी बात कर रही है। कांग्रेस के 2002-2003 के शासनकाल में पहले लोग पूछते थे कि लाइट कब आएगी, आज लोग पूछते हैं कि लाइट कब चली गई। बता चुका हूं कि हमारे मध्यप्रदेश में कृषकों के लिए कृषि मित्र योजना लागू की गई है। 3 HP से ऊपर के लोगों को पंप स्थायी कनेक्शन के लिए हमारे 50% सब्सिडी मध्यप्रदेश सरकार देगी, 50% किसान भरेंगे और जो पंप कनेक्शन दिए जाएंगे उनका मेंटेनेंस सरकार करेगी। ये किसानों को स्थायी पंप लगाने की योजना में लाभ दिया गया है। आपको 1 kW तक के जो बिल हैं वो हमारी सरकार ने अगस्त तक के फ्रीज कर दिए गए हैं। हमारे अभी ग्वालियर शहर को और पूरे प्रदेश में 997 करोड़ की लगभग राशि SSTD योजना में स्वीकृत की है, जिनसे लागों का सुदृढ़ीकरण, ट्रांसफार्मरों की का उन्नयनीकरण, हमारे यहाँ पे बॉक्स या ट्रांसफार्मर में जाली आवश्यक है वहाँ पे जाली, तार जहाँ पे तार टूट रहे हैं बदलने का काम, ये काम होगा। ये काम बहुत तेजी के साथ शुरू किया जा रहा है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ।